हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो लाइन ब्रेकन टेस्ट या फिर जो भी डेटा है इसको मैं मुझे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखना है, एक एक सेल में मुझे लिखना है। तो ऐसे अगर मैं एक एक करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसे बल्क में करने के लिए कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसके बाद मुझे ये सेल सेलेक्ट करनी है जो भी डेटा मुझे नॉर्मल सेल में करना है। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया है। इसके बाद कॉमा, यहाँ मैं कैरेक्टर 10 यूज़ करूँगा। के बाद जो भी मेरे को टेक्स्ट के बीच में रखना है सेपरेट करने के लिए, जो भी रखना है, कॉमा हैज़, अब जो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हैज़ रख रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब ये देख रहे होंगे जितना भी जो भी टेक्स्ट है ये सब सेपरेट हो चुका है, और टेक्स्ट सेपरेट होने के साथ साथ इसमें बीच में हैज आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इसको सेम। ठीक है, उसके बाद मुझे ये दोनों सेल कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट बाय वैल्यू। ठीक है, अभी इन ये जो सेल है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुकी हैं, अभी हमें इनको सेपरेट करना है, इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे सेल में। उसके बाद व्यू में डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड में जाके नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर अदर में चेक इन करके यहाँ पे मुझे हैज प्रेस हैज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। अब ये देख रहे होंगे जो भी डेटा है हमारा एक एक कॉलम में आ चुका है। ठीक है, अभी हम इस डेटा को कॉपी करेंगे और एक नई शीट में ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट बाय वैल्यू ट्रांसपोज, ओके। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो भी डेटा है ये आपका एक एक सेल में आ चुका है।